हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे टायर सीटिंग। यस, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में टायर सीटिंग शेयर किया है, बट दैट वन वाज फॉर इंडोर। और आज जो हम बनाएंगे ये स्पेशली आउटडोर के लिए होगा। तो हमने यहाँ पर एक कार टायर ली है और सबसे पहले इसे अच्छे से आपको वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है, ताकि इसमें जो भी डर्ट गंदगी वगैरह हो वो सारा अच्छे से निकल जाए। वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और अब हम इसे पेंट करेंगे। सो फर्स्ट लेयर बेस पेंट के लिए हमने एशियन पेंट का प्रीमियम इमल्शन पेंट यूज़ किया है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। एंड इस बेस लेयर के बाद आप इसके ऊपर कोई भी दूसरा पेंट अप्लाई कर सकते हैं, इमल्शन पेंट, वाटर बेस्ड पेंट, एक्रेलिक पेंट, जो पेंट चाहें आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसका ही डबल लेयर अप्लाई किया है क्योंकि मुझे ये वाइट कलर में ही चाहिए था। ओके, सो अब हमें इसके ऊपर मार्किंग करनी है, तो 1 इंच के गैप पे हमें पूरे टायर के ऊपर मार्क कर लेना है। अगर आपने पहले वाला टायर शीटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही मैंने टायर टेबल, टायर प्लांटर वीडियो भी शेयर किया है, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर हमें होल करना है, तो होल करने के लिए हमने ड्रिलिंग मशीन यूज़ किया है। आप किसी साफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी होल्स कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो बेटर है कि आप मशीन यूज़ करें। आज का जो सीटिंग है वो स्पेशली आउटडोर के लिए है। मेरी जो अभी की बालकनी है उसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट आता है, तो आज का सीटिंग मैं उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रही हूँ। सो वी आर डन विद द होल्स, क्लीन कर लेंगे। और नेक्स्ट हमने ये नायलॉन रॉप लिया है, तो जो हमने होल किए हैं उसके थ्रू रोप को इस तरह से पास करके और हमें पूरे में वेविंग कर लेनी है। नॉट लगाकर सिक्योर कर लेंगे और अब हम इसका दूसरा एंड लेंगे। और एंड को इस तरह से जलाकर थोड़ा हम सिक्योर कर लेंगे और इस तरह से सेव दे देंगे ताकि हम जब होल में इसे डालें तो ये इजीली चला जाए। वेविंग का यहाँ कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जस्ट आपका जो ये वेविंग के बाद सिटिंग ऐसा होना चाहिए कि आप उस पर बैठ सकें। नायलॉन रोप भी हमने इसी पर्पज से यूज़ किया है क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो अगर कॉटन रोप यूज़ करते हैं तो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब हो जाए, सड़ जाए, और नायलॉन रोप ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ओके, सो वी आर डन विथ वन साइड, तो दूसरे साइड भी रोप को कुछ इस तरह से पास करते हुए हम इसकी वेविंग कर लेंगे। अगर आप इस सीटिंग को रिक्रिएट करते हैं या फिर मेरे किसी भी क्रिएशन को रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ शेयर विथ मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। और अगर आप अब तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे बहुत सारे क्विक लाइफ रिलेटेड अपडेट्स एंड स्टोरी वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ। एंड वी आर डन हियर, दूसरे साइड से हम इस तरह से नॉट लगाकर सिक्योर कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा रोप है उसे कट कर लेंगे। एंड आवर टायर सेटिंग इज रेडी। इसमें हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं यूज़ किया है, वी मेड इट जस्ट विथ टायर एंड रोप। एंड सिमिलरली हमने एक और बनाया है इन येलो कलर,
और एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए मैंने ये कुशन ऐड किया है। ये मुझे एक लोकल स्टोर में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। अगर मुझे ऐसा सेम ऑनलाइन मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड इस तरह से दोनों टायर को एक साथ रख कर आप इसका हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये आउटडोर के लिए सूटेबल है, जस्ट धूप वगैरह से बचाने के लिए इसका कुशन हटा लें आप एंड टायर को एज इट इज़ रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।